इसी को उद्धव जी कह रहे हैं, ये सबका सौभाग्य है। आप लोगों ने सिखाया अपने आश्रम से किस तरह से त्याग किया जाता है कृष्ण के लिए। दिष्टया पुत्रान पतिं देहान, वो देह छोड़ने के समान ही है। सांप की परवाह न करना, बिच्छू की परवाह न करना, चले जाना। और सांप पड़ रहे हैं रास्ते में, पर उस पर ध्यान नहीं है राधा रानी का। जैसे मृणाल, मृणाल का तो कमल के नाल, कमल का नाल पड़ता है रास्ते में, ऐसे समझते नहीं जा रहे हैं। देह स्वजना और भवनानी, भवन को छोड़कर अपना सुखद भवन सब छोड़ करके कृष्ण के प्रेम में जहाँ कृष्ण बुलाए वहाँ चले गए। जहाँ जब भी एक बार श्री कृष्ण को राधा रानी देखने लगे, चेत की दोपहरी गुजर पर्वत पर खड़ी, पर्वत पूरा गर्म है, लेकिन राधा रानी को ये ध्यान नहीं है कि मैं पहाड़ पर पत्थर पर खड़े हूँ। पत्थर से जल रहा था पैर, लेकिन वो खड़ी कृष्ण को देख रही है। एक टक कृष्ण को देखती थी और जलन का कोई अनुभव नहीं। गुरु गोस्वामी का आदमी इसको लिखा है। ऐसा दृष्टांत जगत को देखने को मिले कि कृष्ण के लिए कैसे त्याग किया जाता है, वो आप लोगों ने दिखाया। उन लोगों का सौभाग्य है। हित्वा और वृणित जीवन जब कृष्णा स्वयं पुरुषण कर सबको छोड़ा, सबका तिरस्कार किया, वर्ण किसका किया, किसके साथ में रहना चाहते थे, कृष्णाख्यम पुरुषम परम, परम पुरुष के साथ, पुरुषोत्तम के साथ, जिनका नाम कृष्ण है। कृष्ण इति आख्या जस्य तम, आख्या मतलब नाम, संज्ञा, जिनकी संज्ञा है कृष्ण, कृष्णाख्य परम पुरुष के लिए, कृष्णा के परम पुरुष को वर्ण किया।
सब कुछ छोड़ सकती थी गोपी किसी को भी, पर कितनी भी दुखद स्थिति हो, कितना भी कष्ट हो, कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं। एक पद है कि यह कदम वह कदम, अंतिम पद में है कि कहैया सुनैया कदम बात और भैया कदम गैया कदम मैया कर भैया नहीं कर। सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। कौन ऐसा प्रेम किया है भगवान से, कौन छोड़ा है इतना त्याग किया है? बड़े बड़े भक्तों में भी नहीं देखा जाता है। इतिहास बताता है, भागवत बताता है, छोड़ा है सबने लेकिन इतना त्याग भगवान के लिए किसी ने नहीं किया। किसी के लिए उद्धव जी कहते हैं दुष्टया, बड़े सौभाग्य की बात है लोगों के लिए। आप लोग उसमें सीखेंगे कि अपने पुत्रों का, पत्नियों का, देह का, स्वजन का, भवन का, सबका त्याग किया, उनकी उपेक्षा किया और कृष्ण को अपना वरण किया, कृष्ण को ही अपना मान। वैसे लोक दृष्टि से श्री गोपीजनों का विवाह भिन्न भिन्न गोप से हुआ था। जैसे राधा रानी का विवाह अभिमन्यु नामक एक गोप से हुआ, इसी तरह से अन्य गोपियों का भी विवाह हुआ है, लेकिन वे सपने में भी कृष्ण को छोड़कर कर कुछ जानी ही नहीं। यहाँ उधर का हित्वा और दुनिता, दुनिता का अर्थ है वरण किया अपनी इच्छा से, अपने अनुराग से, कृष्ण को ही उन्होंने पति माना और किसी को नहीं। तो इसलिए यह भक्ति अन्य भक्तों के लिए बड़े भाग्य से देखी गई। इस श्लोक में दृष्टिया शब्द जो है किनके भाग्य से, भक्तों के भाग्य से। वे सीखेंगे आप लोगों से कि भक्ति क्या कहे, किस चीज़ का नाम। मुनियों के भाग्य से ऐसी भक्ति मुनियों को सीखने को मिलेगा, शनकादि को, श्री नारद जी को, और भी बड़े बड़े मुनि हैं, सुखदेव जी, इनके इनका सौभाग्य है कि गोपियों की ये भक्ति देखी गई। और अब अंतिम श्लोक में कहते हैं मेरा महान भाग्य था कि भगवान ने मुझे ब्रज में भेजा, मैं ये देखा। सर्वात्म भावोधिकृतो भवती नाम अधोक्षजे विरहेण महाभागा महान मेनुग्रह कृपा। मैं इस नंदगांव में आकर के भगवान कृष्ण का अनुग्रह देख रहा हूँ। मैं पहले सोच रहा था कि क्यों इतना प्रेम में पड़े हैं, क्यों मुझको भेज रहे हैं, और जाऊंगा तो एक 10 मिनट के प्रवचन से इनका सारा मोह तोड़ दूंगा। और अब देखिए इनकी दशा, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे सामने भगवान के विरह में आपका यह प्रेम प्रकट हुआ और मैं इसका दर्शन किया। ये आप लोगों की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है, मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। और हमारे स्वामी भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हमको उन्होंने मथुरा से हम भेजे। सर्वात्म भावो अधिकृत, सर्वात्म भाव का अर्थ महाभाव, जिसमें सब भाव चरम सीमा में हो, भगवान के प्रति प्रेम चरम सीमा पर हो, उसको सर्वात्म भाव या महाभाव कहते हैं। इसको अधिकृत आप लोगों ने इसे अधिकार में किया है। अधिकृत का अर्थ है कोई आगंतुक भाव से अपने भाव नहीं है कि आया चला गया, अधिकृत का अर्थ है कि यह नित्य आत्म है, कभी घटने वाला नहीं है, नित्य वर्धनशील है। तो यह महाभाव आप लोगों को प्राप्त है। भवती नाम सर्वात्म भाव अधिकृत, आपके द्वारा यह महाभाव स्वरूप बन गया है, आप में रह रहा है। किसने अधोक्षर में इंद्रियों के अनुभव से जो करे हैं सबके अगोचर हैं, ऐसे भगवान में भी
श्री कृष्ण में आप लोगों का एक महाभाव हुआ और बहुत बड़ा अनुग्रह मानूंगा भगवान के विरह में, विरह में और आपका अनुग्रह हुआ हम पर। हमने आपके भगवान के विरह में आप लोगों की दशा देखा, तो हम यहाँ आकर के सीख रहे हैं, इसको प्रेम कहते हैं। हम भी कृष्ण के साथ रहते हैं, भगवान के साथ मैं नित्य ही रहता हूँ, हमने ये भाव बिल्कुल नहीं है। विरह के समय आपका जो भाव प्रकट हुआ इसका मुझे दर्शन हुआ, ये आपकी महान कृपा है हम पर, महान में अनुग्रह कृपा, उस पर आप लोगों ने बहुत बड़ा अनुग्रह किया। मैं ब्रज में आया, मेरा ब्रज में आना सफल हो गया। संदेश तो मैं दूंगा ही, आपके प्रियतम ने आपके लिए क्या संदेश दिया है उसको मैं सुना रहा हूँ, आप सुन ले। श्रूयताम प्रिय संदेश भवती नाम सुखावह, जनादायाग तो भद्रा अहम भर्तु रहस्कर। अहम मैं अपने स्वामी का श्री कृष्ण का रह कर एकांत नौकर हूँ, दास हूँ। उनकी जो भी रहस्य की बातें हैं वे हमसे बताए हैं, मैं उनका अंतरंग सेवक हूँ, हमसे कोई छिपा द्वार नहीं है भगवान का। तो अपने प्रियतम के संदेशों को आप सुनिए, आप लोगों को सुखी करने के लिए, आपका विरह दुख कम करने के लिए श्याम सुंदर ने संदेश दिया है। यम जिसको आदाय ले करके अहम आवत, जिसको ले करके मैं आया हूँ, तो भगवान का पत्र खोले और पढ़ना चाहती है। जैसे यहाँ से लिखा गया श्री भगवान वाच, तो भगवान बोल रहे हैं। उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने आपको संदेश भेजा है, आपके प्रियतम श्री कृष्ण ने संदेश भेजा है, यह संदेश भवती नाम सुखा वह, संदेश सुख देगा, सुख लाएगा, जिसको लेकर के मैं आया हूँ। हे कल्याणियों, आप सबसे मंगलमय हैं, कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप हैं और मैं आपके स्वामी का रहस्य कर, या स्वामी श्री कृष्ण का रहस्य करता सेवक। तो श्री भगवान वाच, तो श्री भगवान बोलते हैं, इसका अर्थ उद्धव जी अपनी बात समाप्त कर लिए, भगवान के पत्र को पढ़ने लगे। ये वाक उद्धव जी का है, श्री भगवान वाच, उद्धव जी बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा है, भवती नाम विजोगो में नहीं सर्वदा पुनः क्वचित, जथा भूता विभूते सो खम्बा यज्ञ जलम मही। जैसे किसी भी वस्तु में भूतेशु पृथ्वी है, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, किसी कोई भी वस्तु है इसमें ये पांचों समाये रहते हैं, पंच तत्व से सारा संसार बना है। तो वायु, अग्नि, जल, मह, ये चार हुए, खम आकाश, खम माने आकाश, ये पांच तत्व। जैसे ये पांच तत्व किसी भी भौतिक पदार्थ में समाये रहते हैं, उसी तरह से मैं सब में समाया हूँ, सब में हूँ, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मैं सब में हूँ, इसलिए भौतिक नाम में आपसे और हमसे विजोग न ही, विजोग है ही नहीं, विजोग नहीं हो सकता है आपसे हमारा। जैसे पंच महाभूतों का विजोग किसी भी वस्तु से कभी नहीं होता, ये सब रहते ही हैं, किसी वस्तु में ये पांचों चीज रहते हैं। एक तो मिट्टी, मिट्टी तो का धोंधा तो आदमी कहता है शरीर को, मिट्टी रह, और शरीर में कुछ जल भी रहता है, रहता है ना जल,
सूखे पदार्थों में भी जल रहता है और अग्नि, जैसे किसी काठ को जलाएंगे तो सूखा हुआ काठ भी कुछ पानी छोड़ने लगता है, जो पानी है तब ना, और थोड़ी सी आग दिया सलाई लेकर के जलाते हैं थोड़ी आग, और विशाल भंडार है ईंधन का तो आग बहुत विशाल प्रकट होती है, तो वह अग्नि नहीं है जो दिया सलाई से पैदा की गई थी, वो उस लकड़ी से अग्नि पैदा होता है, इतनी विशाल रूप में घर को और जंगल को जला डालते, तो वो अग्नि वहीं रहता है अव्यक्त रूप से, किसी भी वस्तु में अग्नि है। और जल अग्नि वायु सब में वायु रहता है, हवा हवा रहता है, सूखे बांस में भी देखेंगे तो भी चक चक फटता है तो उसमें से हवा निकलती है, आवाज करते हैं, किसी भी वस्तु में हवा है और आकाश है, आकाश हमारे चारों तरफ है, मुंह में भी आकाश है, कान में आकाश है, कई छिद्र है, गड्ढे हैं, कई जगह आकाश रहता है, और हवा तो रहती ही है, 10 प्रकार की हवा इस शरीर में रहती है, उस हवा का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो उसको बात रोग कहते हैं, हवा पर ही शरीर चल रहा है, पलक का गिरना से लेकर के पैर का चलना हाथ उठाना सब हवा पर निर्भर है, यदि हवा गड़बड़ हो जाती है तो उसी को कहते हैं लकवा मार दिया तो ये हुआ वो हुआ, बाहर का कुछ नहीं मारता है किसी को लकवा से, भीतर की हवा बिगड़ जाती है, बात रोग, कफ पित्त और बात तीन का बैलेंस रहता है तो शरीर ठीक रहता है, घुटने में दर्द होना ये हवा के बिगड़ने से होता है, कहीं दर्द हो रहा है तो हवा का बैलेंस बिगड़ गया है, उसी को ठीक किया जाता है, फिर बात रोग कहते भी है, बात में हवा, उसे बात रोग माने हवा भी, और बात रोग का मतलब होता है किसी बात का दुख लग जाना। एक बार हमारे गांव में एक व्यक्ति मंदिर में नहीं आ रहे थे, तो मैं राधा कृष्ण प्रभु से पूछा कहे नहीं आ रहे हैं, कुछ बात रोग है उनको, तो मैं तो समझ गया बात रोग है, जो भी हो यहाँ पर प्रसंग है कि जैसे भौतिक पदार्थों में पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश रहते ही हैं, उनका वियोग नहीं होता है भौतिक वस्तुओं से, वैसे ही मैं आप लोगों में हूँ ही, सबने हूँ, मुझसे किसी का वियोग नहीं संभव है, खासकर भौतिक ना, और किसी से वियोग हो जाए आप लोगों से मेरा वियोग कभी नहीं है। तथाहम च मनः प्राणः भूतेन्द्रियः गुणाश्रयः आत्मनिवात्मनात्मान सजे हानि अनुपाल है, इसी प्रकार से मैं सबके मन में हूँ, प्राण में हूँ, भूतों में हूँ, इंद्रिय में हूँ और इंद्रियों के गुणों में, मैं अपने आप में हूँ और अपने से अपने को ही सृष्टि करता हूँ और पालन करता, नष्ट करता हूँ और पालन करता हूँ, अपनी माया से मैं सब करता हूँ, अपनी शक्ति से। भगवान के कहने का आशय यह है कि कभी हमसे विजुग नहीं हो सकता, इसी इस श्लोक की व्याख्या मैं कल करूँगा, अभी इसी की व्याख्या कुछ कर रहा हूँ, एक दो श्लोक की व्याख्या अग्रज भाषा में की जाएगी, धैर्य से सुनिएगा। उद्धव जी कहते हैं भगवान के संदेश को, इसको और क्लियर कर रहे हैं रत्नाकर जी की क्या कहा है, तो पेज है 51 और श्लोक 126 127 128 चाहता जो जय नहीं है जो है जो चाहत जो स्वबस
संजोग श्याम सुंदर को इनकी दृष्टि से रत्नाकर की दृष्टि से शायद गोपियाँ संस्कृत नहीं समझ पाई होंगी तो उनकी भाषा में रत्नाकर जी समझा रहे हैं उद्धव जी के मुख से। यदि तुम श्याम सुंदर का संयोग चाहती हो मिलन चाहती हो और मिलन हमेशा अपने बस में रहे बिछोड़ न हो तो जोग के प्रजोग में ही ये तो बिला सुर है जोग के प्रजोग में ही ये तो बिला सुर है। जोग का प्रयोग करो मतलब ध्यान, योग का एक अंग है ध्यान, पहला अंग है यम, दूसरा है नियम और इसके बाद है आसन। आसन वगैरह आसन कई प्रकार के होते हैं जैसे आप लोग जानते होंगे, पद्मासन है, सिद्धासन है, क्या है तो प्राय सुखासन सिद्धासन से बैठो, सिद्ध लोग से बैठते हैं, रीह को लोग तो सीधा करके और गर्दन को भी सीधा करके कहीं किसी पर देखते नहीं हैं, नासिका के अग्रभाग पर देखते हैं तो एकदम सीधा और वो भी आधा आँख बंद करते हैं और किसी को देखना नहीं है, कहीं को बोलना भी नहीं है, इसको आसन कहते हैं। आसन के बाद प्राणायाम, जैसे सब उलम बिलम सबको मालूम भी है, सूरज दास बता लोग कैसे जल्दी जल्दी बाद में प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम और उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है शब्द से कान को, रूप से आँख को, स्पर्श सत्ता इंद्रिय को, सबको मन को बिना चिंतन से हटा लेना, प्रत्याहार हटा लेना। और इसके बाद भगवान की धारणा करना। धारणा का अर्थ है कि मन में उनका रूप देखना, लीला देखना, आते नहीं लेकिन बार बार धारणा करना है हमारे हृदय में है। धारणा के बाद तब ध्यान, और ध्यान यदि 3 मिनट पक्का लग गया तो उसको समाधि कहते हैं। धारणा ध्यान समाधि 8 अंग है योग के। तो उद्धव जी कहते हैं योग के प्रयोग में ही ये तो दिलसो करो, दिलसो रहे, जो योग का प्रयोग करोगे तो हृदय बिल्कुल खिल जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। कहरत न कर सुअंतर मुखी है ध्यान, कहरत न कर सुअंतर मुखी है ध्यान। इस प्रकार से जब मन अंतर्मुख हो जाएगा तो ध्यान लगेगा, ध्यान लगाओ। मन दुही कंज जगी ज्योति में धस लाए, हृदय शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध हृदय में अब मन ज्योति में ही धस जाएगा उसी को देखने में। यहाँ से बदल रहे हैं उद्धव जी, भगवान कहे थे कि हमारा ध्यान करो लेकिन अब कवियों ने जहाँ ध्यान और योग का नाम आया कि ये लोग योगियों का उपहास करते हैं। मंजूर ही कौन जो खेले हुए मंजूर हृदय कमल में ज्योति जब धस जाएगी जगी रहेगी। ऐसे करो लीला आत्मा को परमात्मा ने, ऐसे करो लीला आत्मा को परमात्मा ने, ऐसे आत्मा को परमात्मा ने गंभीर गंभीर मत उसको खोज जाने जर चेतन विलास भी कसुर है, जाने जर चेतन विलास भी कसुर है। जर चेतन का भेद मिट जाएगा केवल अपने आप को ही देखोगे, मेरे तक कुछ है नहीं। मोह बस जोहत बिछह जिए,
जिए जाको छोड़ी सोतो सब अंतर निरंतर वास्य ज्ञान बस जिनके बिछोह को तुम सह रही हो सोचती हो कि हमसे बिछोह हो रहा है और प्रेम से जिनको जोह रही हो अपने हृदय में सोत अपनी आँखों के सामने सोतो सब अंतर निरंतर बस हो रहे जिसको तुम वियोग के समय विलव समझती हो तो सब जगह है भीतर भी है बाहर भी है अंतर में भी है और निरंतर निरंतर में बाहर भीतर भी है बाहर भी है सब जगह कहाँ है कौन जगह है कौन वस्तु है जो कृष्ण नहीं है क्यों रो रही हो चाहता जो स्वब सुंदर श्याम सुंदर को चाहता जो स्वब प्रभाव में ही एक भी जोग के प्रयोग में ही एक भी नाश है जोग के प्रयोग में ही एक भी नाश है कह रात नक सुअंतर मुखी है ध्यान ऐसे करौली आत्मा को परमात्मा में ऐसे करौली आत्मा को परमात्मा में जाने जाना चेतना विलास भी कसुर है जो हो बिछो जिए जाको छोई जो हिछो जिए जाको छोई सो तो सब अंतर निरंतर बस रहे निश्चित भगवान का बात नहीं है उद्धव जी का है वो भी बड़े अभिमान में थे कि हम भी कुछ प्रवचन करके दुख दूर कर देंगे अब जो भगवान कहे थे उसको अपने शब्दों में कह रहे हैं पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता सो तो पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता सो तो हम तुम उनमें समान ही समोई है भूत होती कहीं से सकल प्रभुत में पूरी है माया के प्रपंच भाषत प्रभेद सब माया के प्रपंच प्रभेद सब काच फल तनिज अनेक एक सोई है देखो भ्रम पटल तुम्हारी ज्ञान आँख न सो देखो भ्रम पटल तुम्हारी
गुण सब कोई है कान सब ही मैं कान ही मैं सब कोई है कृष्ण में और तुम में हमें कोई भेद नहीं है क्यों विरोध की भावना की हो पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता है वो हम में तुम में या उनमें किसी में समान ही समय है यह बात भगवान ने नहीं कहा था पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता ये बात नहीं कहा था पंच तत्व में पांच भूतों की सत्ता कहा था